और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में आज माघ मेले के मौके पर यमुना में शाही स्नान हुआ। साधु संत श्रद्धा भाव से सराबोर नजर आए, तस्वीरें भाव विभोर करने वाली थी, इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ के मेले से पहले भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में पहला शाही स्नान किया गया, जहां साधु संतों ने इष्ट देवता को स्नान करवाया, साथ ही खुद भी शाही घाटों पर डुबकी लगाकर श्रद्धा में सराबोर नजर आए। पूरा वृंदावन इस वक्त पूरी ये ब्रज नगरी इस तरह से सजी हुई है एकदम दुल्हन की तरह, और सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम है यहाँ पर। हर तरह की अरेंजमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे किया गया है, ड्रोन से भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। वृंदावन में संतों ने तीनों अन्य अखाड़ा की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। वृंदावन की परिक्रमा के बाद साधु संतों ने शाही स्नान किया। इस शाही पेशवाई और स्नान के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए। तीनों अखाड़ों के साधु संतों के अलावा हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी स्नान करने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वृंदावन में शाही स्नान के दौरान आसमान से पुष्प वर्षा हुई और इस दौरान जी हिंदुस्तान इसका साक्षी बना, और जी हिंदुस्तान की रिपोर्टर मल्लिका मल्होत्रा भी हेलीकॉप्टर में मौजूद रही। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वृंदावन में कुंभ के शाही स्नान के खास मौके पर देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वृंदावन में आलम यह है कि पांव रखने के लिए जमीन तक नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम जी हिंदुस्तान के दर्शकों को वृंदावन की सैर हेलीकॉप्टर से कराएंगे, आसमान से नजारा दिखाएंगे। ये आज ऐसा मौका है जिस पर हम आपको वृंदावन का नजारा देखिए आसमान से दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सफेद मंदिर, ये प्रेम मंदिर है। जी हाँ, ये सफेद मंदिर जो आप देख पा रहे हैं ये प्रेम मंदिर है, और आगे थोड़ी दूर आपको रंग मंदिर भी नजर आ रहा होगा। तो ये बांके बिहारी मंदिर, ये वो धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण ने बाल लीला रची। ये वो धरती है जिसके कण कण में राधा समाई हुई है, कण कण में यहाँ पर श्री कृष्ण का वास है। ये पावन भूमि जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो कुंभ मेला जो हमारे राष्ट्रवाद का जीवंत प्रतीक है, जीवंत स्वरूप है। और मेरे साथ साधु भी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगी, ब्रह्मांड गुरु हैं जिनसे ये समझेंगे कि आज का दिन कैसे इतना खास हो जाता है। आज का दिन जो है पूर्णिमा का पावन उत्सव है, और आज अखाड़ों के द्वारा शाही स्नान किया गया है, और यह विगत कई वर्षों से कुंभ लगते आ रहा है। 27 को यदि हम गणना करते हैं तो 7 और 2 मिला के होता है 9, अर्थात पूर्ण, और यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तपस्थली है। और आज सभी संत महात्माओं, महामनीषियों, संतों ने शाही स्नान किया है। यह दिन बड़ा उत्तम, बड़ा खास है। और दिन की बात करें तो आज मेरे बालाजी का दिवस है, शनिवार, और ये शनिवार बालाजी का दिन है जिसके जीवन में हमेशा मंगल, शांति, अनुग्रह और कृपा करते हैं। जय संत। भी ये मानते हैं कि वृंदावन कुंभ को वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, इसीलिए जी हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया है कि जो राष्ट्रवाद के संरक्षक संत हैं उनकी वैभवशाली परंपरा के दर्शन हम आपको करवाएंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मल्लिका मल्होत्रा, वृंदावन, जी हिंदुस्तान।